थाना मीरगंज पुलिस ने चोरी की योजना बना रहे चार आरोपियों को चोरी के औजारों, एक इको गाड़ी, एक मोटरसाइकिल बिना नंबर एवं तीन मोबाइलों के साथ गिरफ्तार किया। संबंधित धाराओं में सोमवार को किया मुकदमा दर्ज। थाना मीरगंज पुलिस ने चोरी की योजना बना रहे गांव असद नगर के चार आरोपियों को चोरी करने के सामान के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने किया संबंधित धाराओं में चारों चोरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज। थाना मीरगंज पुलिस के उप निरीक्षक ओमकार एवं श्रीपाल गश्त पर चेकिंग कर रहे थे। मुखबिर की सूचना मिली कि ओवरब्रिज के बराबर में नौसेना रोड पर मजार के पास कुछ बदमाश इकट्ठे हुए हैं, जो एक इको कार एवं मोटरसाइकिल से आए हुए हैं। पुलिस टीम मीरगंज ओवरब्रिज पार करने के बाद गांव नौसेना मोड़ से पहले हाईवे के किनारे पहुंची और नौसेना मोड़ पर मजार की तरफ चले तो बदमाशों की एक इको कार और मोटरसाइकिल खड़ी हुई दिखाई दी। चारों आरोपी मजार की चार दीवारी के अंदर पाखड़ के नीचे आपस में बातचीत कर रहे थे कि आज रात में कस्बे में जगह देख ली है जहां पर चोरी करनी है। पुलिस टीम द्वारा चारों आरोपियों को घेर कर करीब 11:15 बजे मजार की चार दीवारी के बाहर सड़क की तरफ पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्तियों ने नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम छुट्टन जाबिर ओमबीर शिवम सोहराब निवासी गढ़ ग्राम असद नगर थाना मीरगंज बताया है, जिनके पास से देसी तमंचा, 12 बोर, 3 चाकू, 14 लोहे के एंगल, एक बड़ा तार कटर, एक इको गाड़ी, एक मोटरसाइकिल बिना नंबर, 3 मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ पर चारों आरोपियों ने बताया कि आज रात कस्बा मीरगंज में एक मकान में चोरी का इरादा बना रहे थे। पुलिस ने चारों आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।